हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ईटिंग अनुभव। आज हमारा फर्स्ट एपिसोड है, तो आज हम जाने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल जगह जो हम आपको दिखाएंगे। हमने बहुत मुश्किल से ढूंढ के निकाली, भाई फर्स्ट एपिसोड है तो कुछ बहुत मुश्किल से ढूंढ के निकाला है, फर्स्ट इन हिसार। चलिए दिखाते हैं आपको आज क्या ढूंढा है। गाइस, तो आज हम आए हैं आपके लिए स्पेशल फूड वाटिका पे, यहाँ पे, और इसकी लोकेशन हम आपको दिखा देते हैं। ये आपके सामने ICICI बैंक है, जिसकी लोकेशन हम आपको बाद में भी दिखा देंगे। ICICI बैंक या सैनी स्वीट्स उधर की तरफ पड़ता है, तो सैनी स्वीट्स आंगन के जस्ट सामने जो फूड मार्केट लगती है, हम यहीं पर आए हैं आज, और हम आपके लिए बहुत स्पेशल वीडियो लेके आए हैं। चलिए दिखाते हैं आज क्या लाए। तो दोस्तों, आज हम आए हैं फूड वाटिका पे, और आइए आज हम इनके ऑनर से मिलते हैं। तो आपने को कितना टाइम हो गया भैया यहाँ पे फूड वाटिका खोले हुए? जी, मुझे फूड वाटिका खोले हुए हिसार में 2 महीने हो चुके हैं। ओके। और इससे पहले मैं दिल्ली रोहिणी 16-17 सेक्टर के अंदर था जी, और वहाँ मेरा पराठा का, राजमा चावल का, और पाव भाजी का, और बर्गर का बहुत अच्छा मेरा रिस्पॉन्स रहा, और मेरा 7 काउंटर मेरे चल रहे थे। अच्छा जी, तो ड्यू टू लॉकडाउन आप यहाँ आए? ड्यू टू लॉकडाउन, जैसे कि अब मेरा होम टाउन हिसार ही है, तो अच्छा। मैंने स्टार्ट किया यहाँ पे। ओके। तो अभी दिल्ली जैसे ही स्टार्ट होता है तो मैं फिर से मूव ऑन करूँगा वहीं से। मतलब आप वहाँ से वापस जाएंगे? जी, लेकिन मेरा ये काउंटर जो है वो चलता ही रहेगा। ओके, मतलब यहाँ पे कोई और संभालेगा आपकी सेवा? जी, मेरा एक कज़न है। ओके ओके। और मेरे साथ में ही है वो, मेरे अच्छा। पार्टनर हैं, तो हम लोग मिल करके काम करते हैं। अच्छा, तो हम लोग दोनों ही देखते हैं, कभी तो वो डेली देखेंगे, कभी मैं। हाँ, तो सर आपके मेन्यू में क्या क्या अवेलेबल करवाते हैं आप सर? जी, मेरे मेन्यू में यहाँ फूड वाटिका में मेरे चार आइटम हैं जी, जिसमें फर्स्ट आइटम है मेरी फ्रेंच फ्राइज। अच्छा। और सेकेंड आइटम है आलू टिक्की बर्गर, जो कि हम बोल सकते हैं कि मैकडी स्टाइल बर्गर। ओके। और बर्गर की कैटेगरी मैंने 3 रखी हुई है जी, सिंपल बर्गर, आलू टिक्की बर्गर, और सेकंड वन है। और मतलब तीनों बर्गर में फ़र्क क्या, किस चीज़ का आता है सर? तीनों बर्गर में मैं डिफरेंस ही आपको बता रहा हूँ कि जो फर्स्ट बर्गर है उसमें आलू टिक्की बर्गर है जी, और इसमें जो टॉपिंग रहती है वेजिटेबल की है, क्रीमी कैबेज है जी जी, और बेसिकली इसमें आलू का और चीज़ का जो टेस्ट है वो आता है जी जी। उसके अलावा सेकंड वन जो मेरा है बर्गर में कैटेगरी है चीज़ बर्गर की जी, तो हाँ, जिसमें मैं इस आलू टिक्की बर्गर के अंदर चीज़ स्लाइस डाल करके देता हूँ। ओके। और थर्ड वन जो है वो मेरा है जंबो बर्गर। ओके, जंबो बर्गर जी, जंबो बर्गर भी अवेलेबल है। जी, जंबो बर्गर भी अवेलेबल है, जैसे मैकडी में महाराजा बर्गर करके आता है, तो मेरा ये मैंने जंबो बर्गर नेम रखा हुआ है। ओके। इसमें 2 टिक्की रहती है, चीज स्लाइस रहती है, और टॉपिंग वही सेम रहती है। ओके। अच्छा, और प्राइस लेटेस्ट हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप प्लीज वहाँ चेक कर लीजिएगा। हाँ, तो गाइज हम आप लोगों के लिए सबसे पहले लेके आए हैं आपकी इनकी स्पेशल पाव भाजी, जिसमें इन्होंने मेनली अपनी सब्जियां डाली थी जो थी आलू, मटर, कैप्सिकम और एक दो वेजेज और थी, और कितनी टेम्प्टिंग लग रही है देखने में आप देख सकते हैं। और अब आप देख सकते हैं इन्होंने स्पेशल एड ऑन करी है भाजी, क्योंकि हमारे ऑर्डर के साथ इनको एक और ऑर्डर मिल गया था इनकी स्पेशल पाव भाजी का, और आप देख सकते हैं इन्होंने और अपने स्पेशल पाव भाजी मसाला भी डाला है। एंड द की टू दिस थिंग इज ऑल दिस इज मेड इन अमूल बटर। और अब आप ये लोग चीज़ देख सकते हैं कि इन्होंने स्पेशल अपना पनीर डाला है, भाई साहब पनीर कितना टेम्प्टिंग लग रहा था,
और अब आप इनके इसके बाद इन्होंने अपने स्पेशल बॉम्बे पाव इसी भाजी के अंदर गरम करके अमूल बटर के साथ, क्या मज़ेदार। और ये अपनी लहसुन की चटनी, लहसुन और लाल मिर्च की चटनी, बेसिकली ये राजस्थानी चटनी बोला जाता है इसको। अच्छा बढ़िया, मतलब राजस्थानी जितने भी व्यंजन बनते हैं। वाह भाई, प्याज ही प्याज, ये है मज़ेदार। हाँ तो गाइस, हमारी पहली आइटम आ गई है, पागल हो रहा हूँ खाने के लिए। लेट्स स्टार्ट दिस यार। ये हमारे पाव देखो भैया, क्या भाई साहब मुलायम मुलायम बॉम्बे वाले पाव करवाए हैं भाई साहब, क्या पाव है। चलो लेट्स टेस्ट दिस। पनीर डाल के भाई साहब, पनीर डाल दिया भाई साहब बंदे ने, 50 रुपए की प्लेट के अंदर 50 रुपीज में आपको पनीर मिल रहा है भाजी में, और क्या चाहिए भाई साहब। अमूल बटर, मतलब पाव भी अमूल बटर में यार, और क्या चाहिए। ले लो भाई, आई कांट वेट। बढ़िया, मतलब जैसे असली घर में बनता है ना खाना, ये वो है। मतलब आज की हमारी वीडियो ना तो बाहर की होगी ना घर की होगी भाई साहब, क्योंकि इसका टेस्ट असली घर वाली भाजी जैसा है। और खा बाहर से रहो तो डबल फायदा, ना बनाना पड़ा और खाने को भी मिल गया घर जैसा। चलो भैया अब हम खाते हैं, अब आप देखिए। और इसके बाद हमने अपनी नेक्स्ट डिश खाई जो था हमारा स्मॉल पिज्जा। ये अपना अमूल बटर डाला भैया। कौन सी सॉस डाली हुई है? टॉपिंग है। अच्छा टॉपिंग है, तंदूरी होती है। अच्छा वाह वाह वाह, मतलब किसी तरह से किसी चीज़ में कोई कंजूसी नहीं है, मतलब हम 60 रुपीज़ का पिज्ज़ा खाने वाले हैं और उसमें टॉपिंग करते हैं। क्या टॉपिंग करने वाले हैं, बताते ये है, अभी सब्जियाँ डालेंगे अलग, चीज़ होगा अलग, और ये क्या, ओहो चीज़ स्लाइस। अच्छा चीज स्लाइस और चीज ब्लेंड दोनों यूज होगा। डोमिनोज वगैरह में एक्स्ट्रा चीज के लिए यूज होता है। वो चीज हम लोग टॉपिंग में यूज करते हैं। अरे वाह भाई वाह, बटर के ऊपर चीज रख दिया, ये मेयोनीज। ओहो हो 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 भाई साहब, मेयोनीज देखो आप, ये क्या गया आप, ये चीज ब्लेंड। अच्छा ये चीज ब्लेंड गया, मजा ये लग रहा है ज्यादा। ब्लेंड और मेयोनीज में जब लगता है अमूल का तड़का तो वाह मजा आ जाएगा। हाँ दिखने में ही लग रहा है, अभी तो टॉपिंग नहीं डली, अभी तो टॉपिंग डालेंगे तो और मजा आएगा। और जो बेसिकली मेरी जो टॉपिंग होती है वो मेयोनीज, तंदूरी और चीज के अंदर डिप की हुई होती है। ओके इसमें चार तरह की वेज होगी, ऑनियन, कैप्सिकम, टमाटो और मशरूम। अच्छा ये पिज्जा की टॉपिंग लग रही है। अरे वाह 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 वाह, आप देख रहे हैं कि जो टॉपिंग है वो पूरी तरह से डिप है, पूरी क्रीम के अंदर, और क्रीम और तंदूरी मेयोनीज, हाँ हाँ तंदूरी मेयो के अंदर पूरे डिप। जी जी, जो थोड़ा सा बोलते हैं हम लोग की स्पाइसी चाहिए, स्पाइसीनेस इसमें दिखेगा नहीं, बट जब हम लोग खाएंगे तो पूरा क्रीमी होगा। इतना क्रीम तो यार हमको डोमिनोज वाले भी नहीं देते। ये हमारे मशरूम, ओ ये मशरूम, वाह भाई, और ये गोल्डन कॉर्न हमारी, मेरे कॉर्न है। अब लग रहा है कोई खाने वाले 60 रुपए के अंदर यार इतना कुछ डाल दिया।
मतलब फुल वर्थ ऑफ मनी है यार, फुल वर्थ ऑफ मनी। और ये हमारा ऑरिगेनो, ये पिज्जा सीजनिंग है। अच्छा पिज्जा सीजनिंग, ओके। ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स, ओके, वो भी हम लोग साथ में देते हैं। जैसे अब ये खाने के लिए जा रहा है, ये ऑलिव्स भी लग रहे हैं इसके। ऑलिव्स जी भाई साहब, 60 रुपए में आपको ऑलिव्स मिल रहे हैं। डोमिनोज वालों पे लानत है आज, लानत है भाई साहब, ये क्या है? और ये एलेपिनो, ओह एलेपिनो, बेसिकली डोमिनोज ही यूज करता है एलेपिनो। मतलब आज तो कुछ अलग ही लेवल हो गया भाई साहब। ऑलिव्स एलेपिनोज कहीं देखे हैं 60 रुपए में? कहीं देखे हैं? किसी पिज्जा शॉप पे चलो जो आपको कहीं नहीं देंगे। 50 रुपए में सिर्फ सिंगल टॉपिंग मिलती है, और ये आप देख सकते हैं वो भी अनियन सॉस है। ओहो, अरे भाई साहब नीचे से बिल्कुल और चीज बिल्कुल ऐसे गिर रहा है। हाँ ये लग रहा है कुछ मजेदार। और ये देसी स्टाइल में इसकी कटिंग होगी। अरे वाह, अब हम आए हैं हमारा पिज्जा लेने। ऑलिव्स एलेपिनो गोल्डन कॉर्न कैप्सिकम, भाई यार ये मशरूम्स भाई सब 60 रुपए में कौन देता है ये? मतलब ये कर रहे हैं इसको खाओ ना, इसको सजा के घर पे रखो। 60 रुपए का वंडरफुल पिज्जा, रुका नहीं गया, लेट्स ट्राई इट। खाने जा रहे हैं हमारा पिज्जा। दो बाइट ले चुका हूँ भैया, पहले बंद करके बाइट लेने का आपको बाद में बता रहा हूँ। वैसे बहुत बढ़िया है, बट आपके लिए एक स्पेशल बाइट। हर जैसे मतलब ये डोमिनोज फेल है, जिसका आप डोमिनोज फेल कर सकते हो मुझसे लिखवा देते। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे शाम के वक्त कितनी चहल पहल रहती है इनके फूड स्टॉल पे। और आप देख सकते हैं इन्होंने ये इनकी टिक्की, इसको ये अमूल बटर में अच्छे से सेकते हैं। बड़ी टेम्पटिंग लग रही है देखने में। एंड इसके बाद यहाँ ये अपने बंस को अच्छे से सेकते हुए क्रिस्प करते हुए। एंड अब आप देख सकते हैं इन्होंने अपनी यहाँ पे ग्रीन चिली सॉस डाली है, और इसके बाद इन्होंने यहाँ डाली है अपनी वेजेस, जिसमें आता है क्यूकम्बर टमाटो एंड अनियंस। और ये है इनका क्रीमी सैलेड जो कि है कैबेज का, जिसको मेयोनीज के अंदर डिप करके रखा जाता है। और ऊपर से इन्होंने ये डाली है अपनी स्पेशल टॉर्टिला सॉस, प्यारा सा तवा बर्गर। और ये भी ये है इनकी फ्रेंच फ्राइज। हमारी फूड ब्लॉगिंग के लिए उन्होंने हमें स्पेशल कॉम्प्लीमेंट्री बर्गर दिया है हमें। वी आर वेरी थैंकफुल टू हिम बिकॉज उन्होंने हमें इतनी रिस्पेक्ट दी और इतना अच्छा खाना खिलाया है। अब उन्होंने बर्गर दिया है तो लेट्स टेस्ट इट, इसका भी रिव्यू आज हो ही जाए क्योंकि भैया उन्होंने दिया है प्यार से इतना बना के, तो कुछ स्पेशल ही होगा। चलो एक बार टेस्ट करके देखते हैं। अगर देखो भाई साहब फुल ऑफ क्रीम। ओह वाह भाई,
क्रंची अंदर की टिक्की, बन सुपर सॉफ्ट और वेजीज का पूरा टेस्ट आ। अगर आप ये 30 रुपीज का बर्गर देते भैया, अगर आप ये चीज खाते हैं ना भैया, पैसा वसूल है आपका। मैं ये आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये चीज, आप पाव भाजी भी ट्राई कर सकते हैं, बट पिज्जा इज द मस्ट दैट आई एम रिकमेंडिंग यू फॉर हियर। आप यहाँ आइए, मैं कहता हूँ आप 60 रुपए पिज्जा खाइए। अगर आपके 60 रुपए वसूल ना हुए, आप मेरे चैनल पे डिसलाइक करिए और आप मुझे कमेंट बताइए कि उन्होंने आपको वैसा ही नहीं दिया आपको हॉस्पिटैलिटी। तो खाते हैं हमारा बर्गर, उन्होंने बड़े प्यार से दिया है हमें। आपको इस चीज के लिए ना आपको हमारे पास आना पड़ेगा। सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक एंड कमेंट आवर वीडियो, प्लीज डू इट यार, सपोर्ट चाहिए।